हाउ काउंटिंग बाय गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दुआ करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम बैक टू बैक हबीबी वाले शूट पहन लिए हैं और आज हम जा रहे हैं इंडिया के टॉप लुलु मॉल में। सो गाइस, चलते हैं और देखते हैं वहाँ पे क्या रिएक्शन होता है पब्लिक की। तो लेट्स गो। राइट गाइस, अब हम अपने ऊँटनी को यहाँ पे पार्क कर दिए, अपने ऊँटनी को हम यहाँ पे पार्क कर दी और अब सीधे हम एंट्री कर दी ऊपर। अल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही लंबा पार्किंग होती। तो अब हम यहाँ पे एंट्री कर चुके हैं मॉल के अंदर, अब हम यहाँ से ऊपर चल रहे हैं राउंड लिप से। तो अभी हमें एक बहुत ही महापुरुष मिले जो पूछ रहे थे शेख साहब आप कहाँ से हो, तो मैंने भी थोड़ा अरबिक बोला और बाद में बता दिया भाई यहाँ से ही है। तो यहाँ पे कपड़े का शोरूम है पूरा, तो देखते हैं। अब हम यहाँ से एग्जिट ले रहे हैं, हम तो अपने जैसे ढूंढने आए थे यहाँ पे बट कोई मिला नहीं। ऑलमोस्ट पूरे मॉल में आई एम ओनली वन, सो लेट्स गो। एक बंदा मिला जो वहाँ से मुझे हाई कर रहा है सामने होकर। गाइस, देयर इज अ हार्दिक पांड्या, इज माय फेवरेट बैट्समैन। हमारे बेगम के लिए एक सूट ले। एक बंदे ने मेरे साथ सेल्फी लिया, देन बहुत ही प्राउड फील हो रहा है आज।
गाइस, इज अ सिंपल गन, बट दिस गन इज अ डमी, यू नो, ओनली ऑन फायर ऑन दिस स्क्रीन. वाला खबीस की बच्ची ये दोनों अभी भी नहीं मानती. देन अगेन शॉट. आई थिंक दिस एरिया इज अ वेरी वेरी कूल बिकॉज इट्स फ्री यार, फ्री ऑन शॉट. सो गाइस या शूट ऑन टाइगर ब्रो. आज हम ट्राई करने वाले हैं मॉल में पुलअप्स मशीन. सो नाउ हाउ काउंटिंग 5. माशाल्लाह माशाल्लाह, यहाँ की टॉयलेट बहुत ही क्लीन होती है, एकदम साफ सुथरा. वल्ला वल्ला माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे ऊँटने की क्या हालत करती है. सुना हम लोग यहाँ से एग्जिट ले रहे हैं. ऑलराइट, अब हम अगेन एक छोटे से ठेले पे रुके हैं, तिवारी टी स्टॉल करके हैं. तो चलो कुछ नाश्ता करते हैं, फिर जाएंगे आराम से चलते हैं. तो यहाँ पे रेडी है पूरी, साइड में टोमेटो और वहाँ है समोसा और ब्रेड पकौड़ा और चाय. ओके सो आई विल ट्राई हाफ प्लेट चिकन बिरयानी. There is a one man, then second here. Okay, so चलो finish करते हैं. तो अब सबका लंच हो चुका है, अब चल रहे हैं घर पे. अब हम लोग घर पे जा रहे हैं, वहाँ जाके फिर इंशाल्लाह जाने की कोशिश करेंगे कानपुर के लिए. देखते हैं क्या प्लान होता है, क्या प्लान होता है. ठीक. ओके सो ऑलराइट गाइस, अब हम आ गए हैं अपने औकात पे. इंसान को अपनी औकात भाई कभी नहीं भूलना चाहिए. ऑलमोस्ट आज बहुत कुछ हुआ है यार, वो आपको मैं बताऊंगा शाम को. अभी थोड़ा
टाइम नहीं है। सो गाइस, ये मेरे लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है और ये मुझे लगता है कि ये फर्स्ट स्टेप है जो मैं काम कर रहा हूँ, ये फर्स्ट स्टेप है। सो आज बहुत प्राउड फील हो रहा है खुद के ऊपर कि यार अब मैं कुछ कर रहा हूँ, सही काम कर रहा हूँ मैं। अभी तक मैं खुद थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कन्फ्यूज था कि यार क्या फ्यूचर हो सकता है, इससे क्या कर सकते हैं, बट अब लगता है कि हाँ यार सही लाइन पे हम जा रहे हैं। सो गाइस, तो अभी इसको फिलहाल चेंज करते हैं और अपने औकात में आते हैं, जो कि ये मैंने पहन के रखा है। जो जो हमने इंजॉय किया, होप आप सब ने वो कहीं ना कहीं वो इंजॉय किया हम सब के साथ में। सो गाइस, सीन क्या हुआ था कि मतलब वहाँ पे हम दो भाई सेल्फी ले रहे थे, तो तीन गर्ल आई वो भी हमारे साथ सेल्फी ली, और अराउंड 5 की 6 बॉयज थे वो भी आए, वो भी सेल्फी ले शेख साहब के साथ में। और सॉरी यार, वो सीन हम नहीं क्रिएट कर सके क्योंकि मतलब मिसिंग हो गया। हमारे कैमरामैन जो थे वो अच्छे शूटर नहीं थे, तो इसके लिए सॉरी। और देखेंगे अभी अगर कहीं ऐसा माहौल आएगा तो ज़रूर शूट करेंगे वो सीन। सो गाइस, बहुत ही प्राउड फील हो रहा था उस टाइम। ओके, तो जैसा भी था वो टाइम निकल गया, बट हमें कहीं ना कहीं कुछ नया सीखने को मिला और हम सीखते भी हैं, क्योंकि अगर आगे बढ़ना है तो कहीं ना कहीं हर कोई पॉइंट से कुछ नया सीखने को मिलता है, तो वो छोड़ना चाहिए, वो मौका नहीं छोड़ना चाहिए। सो शायद मैं यही कर रहा हूँ। सो कहीं ना कहीं आपको भी ये लगता होगा कि वॉइस का थोड़ा क्वालिटी जो है कम है, और कहीं ना कहीं थोड़ा एडिटिंग का उसमें पॉइंट है, तो हम भी ये चीज़ नोटिस करते हैं, आपने भी ये नोटिस किया होगा। तो ब्लॉगिंग का क्या है कि अगर जब तक नॉर्मल ब्लॉग करते हो आप, तब तो फ़ोन से ही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर थोड़ा अलग स्टेप है, लेवल थोड़ा हाई है आपका, थोड़ा ऊपर जाने चाहते हो, तो इसके लिए आपको माइक तो ज़रूरी है। ऑलमोस्ट मुझे भी पता है, आपको भी पता है, माइक और एडिटिंग के लिए लैपटॉप, ये दो चीज़ होना ज़रूरी है। सो देखते हैं, कहीं से अगर जुगाड़ लग गया तो लगाते हैं, और अराउंड 1.5 महीने में बाय कर लेते हैं कैसे भी करके, क्योंकि अब मुझे भी ऐसा लगता है कि यार नहीं होना चाहिए, माइक का होना ज़रूरी है, क्योंकि मेरे थ्रू आपको मतलब जो मेरा वॉइस है वो थोड़ा परफेक्ट नहीं होता है, तो कोई नहीं, देखते हैं जुगाड़ लगेगा तो। सो रही बात लैपटॉप की, तो भाई ट्राई करेंगे कहीं से अगर एडजस्ट हो जाएगा तो। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्यार और सपोर्ट दिखाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।